नमस्कार। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूं कुछ अपनी बातों को लेकर के। पूरा देश कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित है, काफी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं और हमारे देश में हम कितना असंवेदनशील हैं इसका प्रमाण शासन द्वारा लगातार जो छापे मारे जा रहे हैं उनसे निकलकर आ रहा है। आप एक बात बताइए कि इस महामारी के दौर में भी हमने अपनों को बचाने के लिए सरकार जो दवाएं उपलब्ध करा रही है, ऑक्सीजन उपलब्ध करा रही है, वेंटिलेटर उपलब्ध करा रही है, उसको भी सही रूप से हम अपने सगे संबंधी मित्रों के पास नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उसमें भी हमें मुनाफा चाहिए। बड़े शर्म की बात है कि 21वीं शताब्दी का ये भारत, पैसा चाहिए, लोगों को कमाई चाहिए, लेकिन कभी कभी मानवता की कीमत पर कमाई गए वो रकम किसी काम की नहीं होती है। जरा सोचिए कि अगर ऐसा ही घटना अगर उनके परिवार में हो जाए फिर वो क्या करेंगे। ऑक्सीजन की कालाबाजारी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी, वेंटिलेटर आया तो उसको चलाने के लिए कोई ऑपरेटर नहीं, और बदनाम भारत का प्रधानमंत्री हो रहा है। इस देश के प्रत्येक नागरिक को ये सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति कहां कहां लड़ेगा, किस किस से लड़ेगा, दीपक से लड़ेगा या जिहादी ताकतों से लड़ेगा या विदेशी ताकतों से लड़ेगा या राहुल गांधी जैसे नेता से लड़ेगा, केजरीवाल जैसे नकली मुख्यमंत्री से लड़ेगा। रोज न्यायालय का दबाव भारत सरकार के ऊपर पड़ रहा है, दिल्ली उच्च न्यायालय का प्रभाव पर दबाव पड़ रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री जी धैर्य के साथ इन सब चीजों का मुकाबला कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने देश की जनता को जितना बचाया जा सके। लेकिन विडंबना यह है कि जो मंत्री, सांसद, विधायक जिनके बल पर जीत के आए हैं, नरेंद्र मोदी का चेहरा रख करके सामने जीत करके आए हैं, लोगों ने वोट नरेंद्र मोदी को दिया था, 2014 में वोट दिया, 2019 में वोट दिया, और आज भी देश के अधिकांश लोग अपनी प्रधानमंत्री में विश्वास रखते हैं, उनको, उनके सांसद, उनके विधायक, उनके मंत्री पार्टी को कहां ले जा रहे हैं, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। मित्रों, कल मैंने जब इंडिया टीवी पे कुछ खुलासे हुए, आज तक पे जब कुछ खुलासे हुए तो उसको मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। एक था कि भूतपूर्व सांसद और अभी वर्तमान में किसी पार्टी के वो अध्यक्ष हैं पप्पू यादव ने कल एक घटना का जिक्र किया कि उन्होंने माननीय सांसद, भूतपूर्व मंत्री राजीव प्रताप रूडी जी के कार्यालय पे या घर पे कहीं गए, वहां पर उनको 30 एम्बुलेंस कवर से ढका हुआ मिला और उन्होंने कुछ सवाल सरकार से, सिस्टम से किया। सही बात है, पूछना चाहिए। उसके बाद जो सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी का जो व्यक्तित्व है, मैं जितना उनको जानता हूं या जितना मैंने उनके बारे में सुना है और जिस तरीके से उन्होंने कैमरा के सामने आकर के बयान दिया, बड़ी ही शर्मनाक है। माफ कीजिएगा, रूढ़ी जी का मैं कोई दुश्मन नहीं हूं, मैं भी एक प्रशंसक हूं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रशंसक हूं, प्रधानमंत्री का प्रशंसक हूं, और रूढ़ी जी को मैं अच्छा लीडर मानता हूं, मानता था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ड्राइवर के अभाव में एम्बुलेंस वहां लगी हुई थी, यह कहीं से भी गले से नहीं उतरती है। उन्हें बिहार के 12 करोड़ बिहार वासियों से अविलंब माफी मांगना चाहिए कि उन्होंने एक बहुत बड़ा मानवता के साथ जघन्य अपराध किया है। और जो दोस्त
सोशल मीडिया पर उनका बचाव करने के लिए आ रहे हैं। मैं पूछता हूं कि वो एम्बुलेंस कहां चलता था, उससे जो रकम आती थी वो कहां जाती थी, क्या छपरा में, सिवान में, गोपालगंज में कोविड के पेशेंट नहीं है, कोरोना से पीड़ित लोग नहीं है? सांसद महोदय ने उनको उपलब्ध क्यों नहीं कराया? और एक बात कहना चाहता हूं, पिछली सरकार में वो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, शायद अभी नहीं है, मोदी जी का जो फैसला होता है वो सही ही होता है। और आप साहब ड्राइवर को भी स्किल डेवलपमेंट नहीं कर डेवलप कर पाए? एक ड्राइवर को एम्बुलेंस चलाने के लिए उसे वेंटिलेटर तो चलाना नहीं था? बिहार में इतनी बेरोजगारी है और ड्राइवर नहीं मिला, कैसी बात कर दी रूडी जी आपने। इसलिए सोशल मीडिया के दोस्तों से मैं यह आग्रह करना चाहूंगा कि मैं न पार्टी का विरोधी हूं न रूडी जी का विरोधी हूं, लेकिन इस सिस्टम के साथ जो लोग खेल रहे हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए मानवता का गला घोट रहे हैं, जिससे प्रधानमंत्री की छवि धूमिल हो रही है, जिससे विपक्ष चुटकियां ले रहा है, उसका मैं विरोध करता हूं। हमें फिर से 2024 के चुनाव में जाना है जहां सबको जवाब देना पड़ेगा। आपके कार्यकर्ता घर घर जाकर दिन रात एक करके आपके लिए वोट मांगते हैं, आज उन्हें सुनना पड़ेगा कि आपके सांसद, आपके विधायक ने क्या किया, आपके मंत्री ने क्या किया। इसलिए मैं अपने मित्रों से कहूंगा कि मुझे नसीहत ना दें, मैं भी समझता हूं कि वो सेवा भारती क्या है, कौन ट्रस्ट था, कैसे संचालन होता था, ये बहुत गलत बात है। 2019 के सांसद निधि से दिया गया पैसे से खरीदा हुआ एम्बुलेंस किसी की जागीर नहीं है, वो जनता की सेवा के लिए आया था। और इस महामारी के दौर में जहां प्राइवेट एम्बुलेंस के मालिक लोग किराया वसूल रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले बिहार सरकार ने और स्वास्थ्य मंत्री ने किराया का रेट चार्ट पेपर में छपवाया है कि मनमानी, अरे इस मनमानी को स्वास्थ्य मंत्री जी आपको रोकना चाहिए था, क्या बात आप करते हैं। यह स्वास्थ्य मंत्री किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं। कल जब मैंने देखा कि सहरसा में फुल डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, जो लगता है कि एक फाइव स्टार होटल के तरह हॉस्पिटल बनाया गया, लोग सड़क पे मर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए। कुछ पूर्व जन्म का पुण्य किया हुआ था कि आप ये भोग रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा जिनकी आत्मा रो रही है, जिनका रूह कांप रहा है, वो आप पर, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर पड़ेगा, कोई नहीं बचाएगा। और आप लोग के क्रियाकलाप के कारण वो व्यक्ति जो दिल्ली में बैठ करके 18 घंटा काम कर रहा है, 20 घंटा काम कर रहा है, जिसके ऊपर देश के नागरिकों को बचाने की जिम्मेदारी आ रही है, उसको आप लोग बदनाम कर रहे हैं। वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर ऑपरेटर नहीं। बिहार में बेरोजगारी का यह आलम है कि लोग नौकरी के लिए तरस रहे हैं, मंगल पांडे जी, और एक साल के वार्निंग में भी, एक साल की तैयारी में भी, जो पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर खरीद करके सब हॉस्पिटल के अंदर, उसका आज तक रैपर नहीं उतरा, कौन जवाब देगा इसका? आपको जवाब देना होगा, आप इस्तीफा दीजिए, आपको अविलंब अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए, नीतीश कुमार को उनका इस्तीफा लेना चाहिए, और नीतीश कुमार, सुशील मोदी और मंगल पांडे पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए कि इन लोगों ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। डबल इंजन की सरकार, एक इंजन सही चल रहा है, दूसरा इंजन जब फेल होता है तो उसको रिपेयरिंग के लिए हटा दिया जाता है, आपको हटना चाहिए। आप विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दे दे रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री की छवि खराब हो, यह राजनीति है आपकी, इसी के लिए आपको मंत्री बनाया गया, इसीलिए पार्टी को जिताया गया। कोरोना का दस्तक फरवरी महीने में आ चुका था, आप तो आए थे पश्चिम बंगाल में चुनाव जितवाने के लिए, सभाएं कर रहे थे, अपना बिहार संभलता नहीं, पश्चिम बंगाल आए थे संभालने के लिए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जो वेंटिलेटर है
वो कोई पड़ा है, कोई काम का नहीं है, कोई चलाने वाला नहीं है। सरेआम आपका डॉक्टर कह रहा है कि एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं है, वार्ड बॉय नहीं है, वेंटिलेटर चलाने वाला लोग नहीं है, ऑक्सीजन लगाने वाला लोग नहीं है। क्या किया आप लोगों ने? सबका इस कोरोना ने, एक तरफ इस महामारी ने जिस तरीके से मानव जाति के ऊपर, उसके जीवन के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, उसी तरीके से आप सब लोगों की असलियत का पोल भी खोल दिया है कि आप लोग करते क्या हैं। आप कोरोना से नहीं लड़ते मंगल पांडे जी, आप आंकड़ों से लड़ते हैं। आप रोज आंकड़ा दिखाते हैं कि इतने लोग ठीक हो गए, लेकिन यह नहीं बताते हैं कि आपने व्यवस्था क्या की। हद हो गई। और लोग, अरे भाई, कभी कभी पार्टी का समर्थक होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते अपने प्रधानमंत्री का समर्थक हूं तो बोलना पड़ता है। जब शासन अपने रास्ते से भटकाव में जाता है तो जनता सड़क पर आकर के उसको रास्ता दिखाती है। और आप लोगों का तो काम तमाम हो गया, नहीं चलता छोड़ दीजिए। आपको कोई निमंत्रण पत्र दे करके मंत्री नहीं बनाया था, विधायक नहीं बनाया था। सैनिटाइजेशन के नाम पर पानी का छिड़काव हो रहा है, आप दिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमने समस्तीपुर अस्पताल के लिए 2 वेंटिलेटर दे दिया। पहले नित्यानंद जी उस बात का जवाब दीजिए कि जो वहां वेंटिलेटर है उसको चलाने के लिए ऑपरेटर है क्या? आपने कितनी बार सदर अस्पताल का निरीक्षण किया? 2 बार से आप सांसद जीत करके गए हैं। मजाक बना करके आप लोगों ने पूरे सिस्टम को रखा है। नरेंद्र मोदी का चेहरा है और आपका जातिवाद का कार्ड है, उसका फल आज आप भोग रहे हैं। थोड़ा सा संवेदनशील बनिए, थोड़ा सा जो लोग मर रहे हैं उनकी मैयत पर अपना आंसू बहाना भी सीखिए, नहीं तो किसी को माफ नहीं होगा, कोई किसी को माफ नहीं करेगा। सारी व्यवस्था होने के बावजूद लोग मर रहे हैं। आप लोगों की नाकामी के कारण सरकार तो बदनाम हो ही रही है और भोली भाली जनता मर रही है। आपको बुरा लगे या आपके समर्थकों को बुरा लगे तो 100 बार बुरा लगे, लेकिन मैं आपको आज कह जाता हूं कि कोरोना भी जाएगा, इस समय भी जाएगा। आप फिर आइएगा, फिर मैं आपको चुनौती देता हूं, उजियारपुर से चुनौती देता हूं कि आप जीत करके हमको दिखाइए। आपका वाटर ATM पूरा फेल, सांसद निधि कोटे से जो आपने लाइट लगवाया, चलिए तबका में मैं दिखाता हूं कि मैंने 2014 में जो लाइट लगवाया वो आज तक जल रहा है और आपकी लाइट का क्या हाल है? कहां से लूटा, कैसे लूटा, कहां लगाया पैसा? ये जनता का पैसा है, जवाब आपको देना पड़ेगा। आप भाग नहीं सकते। लोगों को मूर्ख समझते हैं, मूर्ख बना करके ठगते रहिएगा, चुनाव जीतते रहिएगा, MP बनते रहिएगा, मंत्री बनते रहिए। अरे ये उजियारपुर की जनता ने आपको जिता करके गृह राज्य मंत्री बना दिया, लेकिन आप एक बार किसी हॉस्पिटल में जाकर के नहीं देखे कि वहां पर लोगों की हालत क्या है। ऑक्सीजन प्लांट, एक कर्पूरी ग्राउंड में जो ऑक्सीजन प्लांट था उसको तो आपने लगान ठीक नहीं करवाया। ऑक्सीजन प्लांट दे रहे हैं, भोज के बेरा में कुम्हर रोप रहे हैं और वेंटिलेटर खरीद रहे हैं। जो वेंटिलेटर पहले से है उसको चलाने के लिए कोई लोग नहीं है। छी छी, बहुत गुस्सा आता है, बहुत तकलीफ है। और जब हमें तकलीफ है, जब मैं इतनी दूर बैठा हूं, तो वहां के लोगों की क्या तकलीफ होगी जो लोग इस चीज को भुगत रहे हैं। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक में जाकर के आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अरे कुछ तो इंसान है तो कुछ तो भगवान से भी डरिए। सिर्फ हिंदूवाद, हिंदू राष्ट्र और राष्ट्रवादी होने से नहीं होता है, ईश्वर सब देख रहा है और सबका हिसाब इसी जगह होगा। धन्यवाद। मेरी बात अगर बुरी लगे तो लगे, मैंने खुलेआम आपको चुनौती दी है और चुनौती देता रहूंगा, मैं बोलता रहूंगा।